सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे बोलूंगी. कल आपका जन्मदिन है, सो किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं एडवांस में? हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल सेलिब्रेशन रहेगा, फैमिली के साथ गेट टुगेदर रहेगा, डिनर रहेगा एंड टेंपल जाऊंगा सबसे पहले टू थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड वंडरफुल लाइफ एंड अपने फैंस से थोड़ी देर इंटरेक्शन करूंगा लाइव जाकर सोशल मीडिया हैंडल्स पे. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोना बी. सो वेरी सिंपल साइलेंट बर्थडे. मैं ज़्यादा शोर शराबे में मानता नहीं हूँ, पार्टी पर्सन मैं हूँ नहीं, तो दैट्स हाउ इट्स गोना बी. मेमोरीज की बात करूँ तो वैसे तो बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन बचपन के जन्मदिन मुझे बहुत याद रहते हैं क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहता है, लोग आने वाले होते हैं स्कूल में, एक अलग से आप नए कपड़े पहन के जा सकते हो यूनिफॉर्म छोड़ के, स्कूल में चॉकलेट बांटते हो आप, तो वो सारा एक्साइटमेंट थोड़ा मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है और वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं. तो आई फील आई मिस दोज डेज एंड आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई स्कूल डेज, जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है एंड आप अपने दोस्तों के साथ फिर से वही मस्ती कर सकते हो, टांग खिंचाई कर सकते हो. तो दैट्स हाउ इट इज. अब तक का सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है? एक्चुअली वैसे बहुत सारे गिफ्ट मिले, बट मेरे डैड ने मुझे बाइक गिफ्ट की थी कॉलेज में, सो दैट हैज़ बीन वेरी स्पेशल टू मी एंड बिकॉज वो मेरी सेविंग्स से मुझे डैड ने सिखाया था कैसे सेविंग्स करते हैं और उसी से करके मुझे अपनी बाइक दिलाई थी पहले अपने मेहनत के पैसे की. सो द रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी व्हिच ही टॉट मी वाज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माय बर्थडे आई फील. सब बोलते हैं कि एक बर्थडे आता है तो एक साल कम हो जाता है, सो आप किस तरह से मानते हैं? मैं ऑफ कोर्स एक साल कम हो जाता है, बट मैं कम हो जाता है ये सोच के अपनी जिंदगी छोड़ नहीं देता जीना. ये थॉट भी लाना मेरे लिए कि एक साल कम हो जाता है तो वो मेरे लिए मेरा थॉट है ही नहीं. मेरा ये मानना है कि एक साल और जीना है मुझे और अच्छे से जीना है और अच्छे से लोगों को खुश करना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, उन्हें हर खुशी देनी है. तो मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं अगले साल में क्या करूँगा उनके लिए, अब आने वाले साल में मैं क्या करूँगा, तो मेरा थॉट थोड़ा सा वो रहता है. बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, डिफरेंट प्रोजेक्ट, कॉमेडी प्रोजेक्ट एंड पहले कभी नहीं किया मैंने ऐसा काम, तो एक नया सीखने का दौर था, एक नए डायरेक्टर और इतने वेटरन एक्टर्स के साथ, सतीश जी, राकेश जी, सुप्रिया पाठक जी, अक्षय जी, इनके साथ काम करने का बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस रहा है और नई चीज़ें सीखने मिली, क्योंकि कॉमेडी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लोगों को हंसाना इतना आसान नहीं होता, ये बात मैं समझ गया था. और कैसे आप नेचुरली उस चीज़ को टाइमिंग में बिठा के आप राइट टाइम पे राइट पंच देके राइट डायलॉग टोनेशंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मुझे इन वेटरन एक्टर्स के साथ सीखने के लिए मिली और दो चीज़ें नई सीख कर आया हो और अपने साथ लेकर आया हो फिल्म से, तो बहुत खुशी की बात है. ऑफकोर्स टीवी से बहुत डिफरेंस रहता है बिकॉज टीवी में एक डेडलाइन होती है एपिसोड रोज़ के रोज़ जाने की, टेलीकास्ट की. फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, फिल्मों में थोड़ा टाइम लेके, वक्त लेकर चीज़ों को और डिटेलिंग में और अच्छे से सराहा जाता है और काम किया जाता है, तो वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता है. ऑफकोर्स बेस्ट काम करने की कोशिश होती है वहाँ, टीवी में भी बेस्ट काम होता है बट एक डेडलाइन के साथ होता है. देखिए दोनों के अपने ही चैलेंजेस है, दोनों के अपने ही मजा है. टीवी पे आप रोज दिखते हो, फिल्मों में आपकी फ्राइडे वेट करनी होती है आपको रिलीज कब होनी है, तो 6 महीने 8 महीने की मेहनत शायद 1 साल बाद दिखती है फिल्म. टीवी पे तो आज शूटिंग की आपकी 2 दिन बाद दिखोगे आप टीवी पे, तो दोनों के अपने ही लुफ्त है और दोनों के अपने ही नेगेटिव भी है. आपकी फिल्म एक और आ रही है सूर्यवंशी, उसका पार्ट कैसे बने ये जानना चाहूँगी. वो एक मैं टोटल अपनी किस्मत पे कहूँगा उसे कि किस तरह से लक ने फेवर करके जब कॉल आया था मुझे तो स्क्रीन टेस्ट देने चला गया अचानक से, सब 24 घंटे के अंदर पूरा वो प्रोजेक्ट कैसे मिला मुझे, मैं आज तक उस हैरानी में हूँ एंड बहुत खुशी की बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ा हूँ और अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ
कि एक ऐसा प्रोजेक्ट रोहित सर के साथ, अक्षय सर के साथ, रणवीर, अजय सर, ये सब के साथ एक फ्रेम में रहने का मौका मिला है, तो और उनसे किस तरह से अपने काम को वो सीरियसली लेते हैं, कितने काम को डेडिकेटली करते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो आँखों देखी, तो आपके अंदर भी एक नई चीज़ पैदा होती है और आप कुछ नया ही सीखते हो वहाँ जाके। तो एक नया एक्सपीरियंस रहा, एक ज़ीरो एक्टर की तरह गया था वहाँ पे, सोचा ही था कि कुछ नया जाऊँगा वहाँ और कुछ नया सीख कर आऊँगा, तो वही वहाँ भी हुआ। एक्शन के बादशाह है रोहित सर और कॉमेडी के भी बादशाह है, तो जब फिल्म आई थी तो आई फील के एक ऊपर वाले का बेस्ट गिफ्ट होगा मेरे लिए 2019 का, जब मुझे सूर्यवंशी फिल्म मिली। ओके, आपसे जानना चाहूंगी आपके कैरेक्टर के बारे में कि आप किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं उस फिल्म में। ज्यादा नहीं कहूंगा, एंटेगनिस्ट प्ले कर रहा हूं उसमें, वन ऑफ द एंटेगनिस्ट, तो उस रोल के बारे में इस वक्त मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं कह सकता क्योंकि अभी थोड़ी शूटिंग बची है, तो पर वक्त ज्यादा नहीं बचा है, 27 मार्च को रिलीज हो रही है और नजदीकी थिएटर में रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा आपको और बताइएगा कि आप कैसे काम किया, आप मुझे बता सकते हैं। आपको फर्स्ट डे कैसा रहा, आपने ये भी सुनना चाहिए। फर्स्ट डे मतलब मैंने टीवी में काम किया, दूसरी फिल्म में भी काम किया, इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा क्रू मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब सुना था कि 500 लोग होते हैं सेट पे, 400 लोग होते हैं, तो ये पहली बार जब देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसीलिए इसे कहते हैं रोहित शेट्टी फिल्म। तो बड़ा ही अच्छा था, थोड़ी नर्वसनेस थी क्योंकि इतने लोग थे सेट पे और रोहित सर कैमरे के पीछे थे, सो फर्स्ट टाइम, और आप जिसके फ़ैन हो आपके सामने हो अक्षय सर, उस सबके बीच में आपको ये भूल जाना है कि आप उनके फ़ैन हैं, और आपको ये भूलना है, आपको ये याद रखना है कि आप एक कैरेक्टर है जिसके सामने आप लड़ रहे हो, तो बड़ा ही मिक्स्ड इमोशंस वाली फीलिंग थी। सो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का इस फिल्म की शूटिंग? मैं दोबारा यही कहूँगा कि एक लक था जिसने मुझे मेरे साथ दिया, एंड मेरे पेशेंस ने ऑफकोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लक, पेशेंस एंड हार्डवर्क हैज़ worked all together and the destiny has favored me to get this project for me, so yehi kahunga, blessed to. Abhi Big Boss bhi sab jagah chhaya hua hai, so aap kitna follow karte hain? मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में जब फॉलो कर रहा था थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था रश्मि की चीज़ों से लेकर, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं और टीवी बंद कर दिया था मैंने देखना, अच्छा नहीं लगा था कि नेशनल टीवी पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी जो मुझे पता नहीं थी या मुझे पता होनी चाहिए थी पहले, तो देखते देखते ऐसे लगा कि यार शो हो रहा है, पर्सनल लाइफ उछाली जा रही है, बैंकरप्सी वाली बात, ये सब थोड़ी सी डिस्टर्ब कर गई मुझे, इसलिए मैंने देखना बंद कर दिया था। एक्चुअली है तो सभी प्लेयर, बट जब जो विनर डिक्लेयर होगा समझ में आएगा कि वो अच्छा प्लेयर था। सिद्धार्थ, रश्मि और असीम। मैं फैन से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, आगे भी दीजिएगा और मैं आपके हर उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, इस बात का आपको आश्वासन दे सकता हूँ, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।